नमस्कार यूटीवी खबर को स्वागत। एही संस्करण रही राज्य में गोटे दिन में 8,399 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट, रेकर्ड संख्यक 40 जन मृत। गंजाम जिले में कमी कोरोना आक्रांत, जिलूर मात्र 65 जन चिन्हट। गंजाम जिलार विभिन्न अंचल और ब्रह्मपुर महानगर में घड़ घड़ सह प्रबल वर्षा, तलिया अंचल जलमग्न, रास्ता उपर जमि रहिला वर्षा पा, जतायात समस्या। ब्रह्मपुर ब्रजनगर अंचल में चली जुआ अड्डा उपर सदर थाना पुलिस चढ़ाऊ, 5 जन गिरफ, 22,800 टंका जबत। खोड़ासिंग मुख्य रास्ता पार्श्वे बड़ पाइप लाइन फाटी फल रास्ता उपर प्रबल पा, जतायात समस्या, जल जोगाण में बाधा। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी छत्रपुर विज्ञान महाविद्यालय नूतन कोविड हॉस्पिटल आरंभ, ऑक्सीजन सह 100 शय्यार व्यवस्था। गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा को काठरे खोदई हनुमान चालीसा पुस्तक प्रस्तुत करिछंती कंटेकुली ग्रामर अरुण कुमार साहू, विभिन्न महलरे प्रशंसा। गंजाम जिला स्वास्थ्य विभाग सहयोग में ब्रह्मपुर महानगर निगम तरफ वर्षा सत्वे विभिन्न टीकाकरण केन्द्र में जारी रही टीकादान। जनसाधारण सतर्क न रहिले कोरोनार तृतीय लहरी आसिबा सुनिश्चित बोली कहिले विशाखापट्टनम सेंट अन हॉस्पिटल भेषज विभागीय मुख्य कर्नल डॉक्टर शंभुदत्त। एवं कोरोना महामारी को दृष्टि रखी महानगर में विभिन्न दल संगठन अनुष्ठान पक्षर असहाय को रंधा खाद्य, शुकिला खाद्य सामग्री और चाउल बस्ता बंटन। एथर संपूर्ण खबर। ओडिशा रे गोटे दिन में 8,399 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होता बेले से गंजाम जिलूर मात्र 65 जन चिन्हट होता राज्य स्वास्थ्य विभाग तरफ सूचना दी जा। राज्य में गोटे दिन में रेकर्ड संख्यक 40 जन कोरोना आक्रांत मृत्यु घटता बेले से गंजाम जिलूर कहीं ना जमापड़ी। से हीपरी कोरोना महामारी को दृष्टि रखी राज्य में जारी रही लॉकडाउन सह सप्ताहांत शटडाउन, फलरे ब्रह्मपुर में समस्ते अत्यावश्यक दुकान बजार प्रतिदिन सकाळ 7:00 दिन 11:00 पर्यंत खोला रहुतवा बेले परवर्ती समय रे जनशून्य परिलक्षित होउछि। तेबे बहु अमान्य नियम खिलाफ करी रास्ताघाट रे गाड़ी रे बुलुथिबा जोगु सेमानंकु विभिन्न थाना पुलिस पक्षरु सचेतन सह केतेकंक ठारु जरिमाना आदाय करा जाउछि। कोरोना पई समस्त जनसाधारण सतर्क रहिबा सह कटकणा नियम मानि चलिबाकु परामर्श दिया जाइछि। गंजाम जिला और ब्रह्मपुर महानगर समेत आखपाख ग्राम में बुधवार प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी लागि रहिथिला। एपरी वर्षा जोगु महानगर गांधीनगर तळिया अंचल समेत सेलटैक्स छक और अन्यान्य साही रास्तारे वर्षा पानी जमि रहिथिला। वर्षा जोगु बहु जनसाधारण नाना असुविधार सम्मुखीन होइथिले। विभिन्न स्थानरे नाळगुडीक सठिक भावे सफाई न हेबा फळरे एपरी समस्या देखा जाउथवा अभियोग होइछि। आगकु वर्षा दिन आसुथिबा जोगु तुरंत ए दिगरे निगम कर्तृपक्ष दृष्टि देबा जरूरी होइपड़िछि। सदर थाना पुलिस पक्षरु ब्रजनगर अंचल रे चली एक जुआ अड्डा उपर चढ़ाऊ करा जाई 5 जन को गिरफ्त करा जिबा सह 23,000 टंका जबत करा जाई थिबा थाना अधिकारी महेंद्र कुमार साहू सूचना देइछंती। संतोष कुमार बेहरा नामक जनैक व्यक्ति बासभवन रे एपरी जुआ अड्डा चली अभियोग होइतिला। एथिरे सदर थाना और निमखंडी फांडी पुलिस मिलित भाव चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय रे 22,800 टंका, 5टी मोबाइल, 2टी बाइक और 2 पैकेट तास जबत करा जाईथिला। एही 5 जन जुआड़ी को गिरफ्त करा जिबा परे कोर्ट चलान करा जाइथिला। खोड़ासिंगी मुख्य रास्ता पास परे बुधवार भोर समय रे एक बड़ पाइपलाइन फाटी जिबा फल रे जतायात रे समस्या सृष्टि होइथिला। सेही परी बहु पानीय जल रास्ता रे भासिबा सह जल जोगाण रे मध्य समस्या सृष्टि होइथिला। एही स्थान रो पूर्वरु मध्य अल्प अल्प पानी निर्गत हेउथवा कहा जाइछि। बहु परिमाणर पानी नष्ट हेबा परे रे जनस्वास्थ्य विभाग पक्षरु एहार मरामती करा जाइथिला। जल संजोग नामरे महानगर रो विभिन्न स्थान रे एपरी पानी निर्गत होउथवा बेले रास्ता गुड़िक मध्य खोली दिया जाउछि। तेणु तुरंत रास्तार मरामती सह जल जोगाण पई पाइप संजोग सठिक भावे करिबा पई दाबी होइछि। छत्रपुर विज्ञान महाविद्यालय परिसर एक नूतन कोविड हॉस्पिटल मंगलवार ठारु आरंभ होइछि। एही अवसर रे मुख्य अतिथि रूपे ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू जोगदेइ ई हॉस्पिटल रो शुभारंभ करथिले। एही अवसर रे छत्रपुर विधायक सुभाष चंद्र बेहरा, गंजाम जिलापाल विजय अमृत कुलांगे, पीडीडीआरडीए सिंधे दत्तात्रेय भाऊ साहेबंक समेत अन्यान्य अधिकारी और डाक्टर उपस्थित थिले। एठारे कोरोना आक्रांतंक पई ऑक्सीजन सह 100 शय्यार व्यवस्था करा जाइछि।
आज छतरपुर साइंस कॉलेज रे जो आमर हेल्थ सेंटर अच्छी तार एक ऑफिशियली आरंभ आमर ऑनरेबल एमपी ब्रह्मपुर ऑनरेबल एमएलए छतरपुर करिछंती और एवे सबू गंजाम रो जो कोविड मैनेजमेंट है स्पेशली हेल्थ साइड रो एक डिसेंट्रलाइज वे रे आमे जेंती भंजनगर ले सुविधा हैला आस्कार हैला हिंजली रे छतरपुर रे तो या द्वारा माने लोक मानको भी बेसी ट्रैवल करबा पड़बो नहीं और लोकल लेवल रे ऑक्सीजन फैसिलिटी बेड आमे अवेलेबल करके देउ छु वर्तमान अच्छी आपन जानी छेंदी 150 प्लस माइनस आमर रहउची और नेक्स्ट 10 दिन भितर वी आर एक्सपेक्टिंग बिलो 100 सो हे भितर आमर आसीबार चांसेस अच्छी जे जेहेतु डिक्लाइनिंग ट्रेंड एवं देखा मिलूँ पॉजिटिविटी रेट कमुची और आमर टेस्ट भी बढ़ुची आम डेली 2500 रु अधिक टेस्ट करीछू तो नुआ नुआ जगार भी आम टेस्ट करीछू कि से एरिया वायरल लोड अच्छी कि नहीं चेक करने बट एवं डिक्लाइनिंग ट्रेंड अच्छी। गंजाम जिला कला और संस्कृति ऐतिह्यर प्राणकेन्द्र भावे बेस परिचित सेहीपरि एही जिल्लारु बहु कलाकार नाट्यकार शिल्पी निज निजर कलार जादू माध्यमरे विभिन्न क्षेत्र में पंचतंत्रर पात्र होइपरिछन्ती जणे शिल्पी हेउछन्ती हिंजलीकाटु ब्लॉक अंतर्गत कंचुड़ पंचायत कंटेईकुड़ी ग्राम निवासी भास्कर साहूंक पुत्र अरुण कुमार साहू से सर्वदा किछि नुआ करिवार चेष्टा जारी रखिछन्ती। अरुण पूर्वठारु काठरे ताजमहल आइफिल टावर ओडिशार विधान सौध धौलगिरी परि विभिन्न ऐतिह्य सब प्रस्तुत करी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रे स्थान पाइछन्ती। एबे एक नूतन चिंताधारा नहीं अरुण गोस्वामी तुलसीदासंक कृत हनुमान चालीसा को काठरे खोदई करी एक हनुमान चालीसा पुस्तक प्रस्तुत करिछन्ती। एही काठ निर्मित हनुमान चालीसार दैर्घ्य 10.5 इंच प्रस्त 9 इंच एवं मोटे 2.5 इंच रही। पुस्तक में मोट 5 पृष्ठा सह 2 मलाट रही। मलाट उपर अति सुंदर भाव हनुमान प्रतिकृति रही जहाँकि देखापी बहु आकर्षणीय होभली अरुण 2 हनुमान चालीसा पुस्तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप प्रदान करे एक स्वतंत्र साक्षात्कार अरुण आगक एपरी बहु कलाकृति मध्यम निज और निज परिवार समेत गंजाम जिलार गौरव वृद्धि करंतु आमर आशा। ପିଲା ଦିନ ତ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଳାଷ ତ ମୁଁ ବୁଲିପାରିଲିନି ତ କାଠରେ ନିର୍ମିତ କରୁ କରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କଲି ତ ସେଇଟା ଏମିତି ମୋ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ପୁଣି ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଘରେ ବସିବା ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମନ ଭିତରେ ହୁଙ୍କି ମାରିଲା କି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ କାଠରେ ତିଆରି କରିବି କାରଣ ମୁଁ ତ କାଠ କାରିଗର ଗୋଟେ ତ କାଠରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସିନା ମନକୁ ଆସିଲା କେମିତି କରି କ'ଣ କରି ତା'ପରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କଲା କେମିତି ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ବହି ଭଳି ଦେଖାଯିବ କେମିତି ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟିବ ଏହା ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିକି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବୁକ୍ଟା ଏଥିରେ 5 ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ଆଉ ତଳ ଉପର ମଲାଟ ହୋଇକି 7 ଟୋଟାଲ 7 ପୃଷ୍ଠା ହୋଇକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଟୋଟାଲ 2024 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯାହା ଟୋଟାଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ବର୍ଡ଼ର ଯେମିତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏଇଟା 2 ମଧ୍ୟ 2 ତ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ଏ 2ରେ ମଧ୍ୟ 2 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 1 ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ 2 କରିବା ପାଇଁ 50 ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା ତ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି କି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛି କାଠ କାମ କରି ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣ ମୋ ପୁଅ ମିଶି ଟିକେ ଟିକେ କାଠ କାମ ସେ ମଧ୍ୟ କରି ଆସିଲା ତାପରେ ଏବେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କାଠରେ ତିଆରି କରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ପୁଅ ଅରୁଣ ଆଉ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସେ
ବନେଇଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ କାଠରେ କିଏ ବନେଇବା ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନବୀନ ବାବୁକୁ ଦେବାକୁ ଆଉ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଦେବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛି। ତାଙ୍କେ ଯଦି ଟିକେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କରେ ଧ୍ୟାନ କରିତେ ବୋଲେ ତାର ଟିକେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାଦାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମହାନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରୋନା ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବନ୍ଦାର, ଡେପୁଟି କମିଶନର ରୋମାଞ୍ଚଳ ଖେମାରୀ ଓ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ବିଭିନ୍ନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ 4 ଦିନ ଧରି ସିଧାସଳଖ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତେ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଭୟାବହତା ପ୍ରଥମ ଲହରୀଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ନ ରହିବା ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ସେଣ୍ଟ ଅନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭେଷଜ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଡକ୍ଟର ଶମ୍ଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ହେଲେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଦତ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କୋଭିଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବା ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ କଟକଣା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଦତ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଟିକାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ସେଣ୍ଟ ଅନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭେଷଜ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଡକ୍ଟର ଶମ୍ଭୁଦତ୍ତ ୟୁଟିଭିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ଥିବେ, କାହିଁକି ନା କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏଥିରେ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବି ହରାଇଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ସିରିୟସ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଥିରେ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ୍, ଇଭିନ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ପପୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଯେବେକି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ପାରିନୁ, ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ବା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଏହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ତାହେଲେ କିପରି ତାହେଲେ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ତୃତୀୟ ଲହରୀ, କିପରି ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହରୀରୁ? ଆମର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା, 1 ନମ୍ବର ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବେଡ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହେଉ ବା ICU ବହୁତ ପରିମାଣର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଡିଜିଜ୍ର ଭୟାବହତା ବା ସଂଖ୍ୟା ସେହି ହିସାବରେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅଭାବ ରହିଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ମଡ଼େଲ ଫଲୋ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରଚୁର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମଧ୍ୟ 4-8 ହପ୍ତା ମିନିମମ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଗିବ, ସେତିକି ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ତୃତୀୟ ୱେବ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ମଡ଼େଲ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଟି କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ସ, ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ବା ଔଷଧ ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କୋଭିଡ୍ରେ, ତା'ର ବି ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟି କୋଭିଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟକ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ହେଉ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ସେଠି ଅଧିକ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟି କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗ୍ରେସିଭ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ବେଶୀ କେସ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁବା ନହେଲେ ସେଥିରୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବଢ଼ିଯିବ ପୁଣି। ଆଉ ମାସ୍କ, ମାସ୍କ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାସ୍କକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ହିସାବରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ
बिना मास्क यूजर मानक जो मैंने मास्क यूज करूना पनिशमेंट बा दंड आहरी अधिक दवा दरकार आउ स्ट्रिक्टनेस फॉलो करवा दरकार। ए दिगरे आपड़ देखते गल्फ हो किसी कंट्री सिंगापुर हो से जो मॉडल फॉलो मास्क न पिंधापी जहाँ पनिशमेंट दौरान आमको भी से फॉलो करा पड़ो। आउ सब टाइप रो गैदरिंग पार्टी विवाह बर्थडे मिलन इत्यादि पूरा बंद करा पड़ो। ये नुहे कि 20 बा 25 जन को अलाउ कले रोग बढ़ ना से कथा नुह आमको बिल्कुल वर्तमान किसी दिन ये सब बंद करा पड़ो। आउ वैक्सीनेशन जिते द्रुत गति हम आम से लाभ पाइबा तृतीय वेव रु पसिबली आमको किसी परिणाम आमर संख्या जो आक्रांत संख्या मृतक संख्या कमिजी। तेणु आउ जो सबुठ इम्पोर्टेंट जो माने मेडिकल वर्कर डाक्टर नर्स पारामेडिकल स्टाफ या प्रोत्साहित करने किसी भत्ता किसी अधिक सुविधा देले से माने आज सबुठ बड़ कोरोना वारियर युद्ध कोरोना योद्धा तांकु आमे सम्मान देव पड़ो। आउ जो नाना प्रकार कथा आसुची कि अमुक हर्बाल अमुक नेचुरल अमुक गछ अमुक पत्ररु कोरोना रोकी हबो से सबु भाविले चलिबो नाही सेथिरे किछि लाभ हबो नाही। आमे साइंटिफिकली जीवा एटा मोर स्टेटमेंट साइंटिफिकली जीवा जोटा साइंस जोटा साइंटिफिक मेडिसिन ताकु ही फॉलो करिबा ताहले आमे तृतीय वेव रु बहुत परिमाण रे मुक्ति पाइबा एवं तृतीय वेव को रोकी पारिबा। आईनजीवी तथा कांग्रेस नेता पीतवास पंडा बुधवार बहु रजक और भंडारी परिवारंकु चाउल बस्ता बंटन करिछंती। कोरोना काल रे जीविका हराई असुविधार सम्मुखीन होइतिबा प्राय 50 जन व्यक्तिंकु एपरी चाउल बंटन करा जायतिला। 25 किलो लेखाएं चाउल बस्ता श्री पंडा निजस्व उद्यम रे प्रदान करिथिले। एही अवसर रे श्रमिक नेता भोकाली सेठी रवि अधिकारी उदय पाणिग्राही रंजन तरई धनु पाणिग्राही सुनील जेना प्रफुल्ल घड़ई प्रशांत साहू और कृष्ण महापात्र प्रमुख उपस्थित थिले। कोरोना को दृष्टि रखी नुआ कालुपात्र साहिर किछि युवक ब्रह्मपुर विभिन्न स्थान रे असहाय और गरीब व्यक्ति मानंकु खाद्य बंटन करिथिले। सुकुंडा बस्ती ठाकुरानी मंदिर छक लांगमलिंगेश्वर पार्क रोड बिजीपुर गोसाई नुआ गांव कोटपेटा जगन्नाथ मंदिर पार्श्व समेत नुआ बसस्टाण्ड अंचल एपरी खाद्य बंटन कर पपुन दास सुकांत साहू मिट्टू महाराणा हिदेश साहू रवींद्र बेहरा दिनेश साहू प्रमुख जोग देते। अयोध्या नगर स्थित प्राप्ति कल्याण मंडप परिसर में छात्र बीजेडी ओडिशा मो परिवार सहयोग रे जीवन बिंदु रक्तदान शिविर बुधवार पुणि थरे ब्रह्मपुर विधायक विक्रम कुमार पंडा प्रत्यक्ष तत्वावधान में पुणि थरे आयोजित हो जाएगी। एहि शिविर रे ब्रह्मपुर बड़ डाक्तरखाना रक्त भंडार रो बहु कर्मचारी सहयोग करथिले। एथिरे मुख्य अतिथि रूपे बांकी विधायक तथा ओडिशा छात्र बिजेडी सभापति देवी रंजन त्रिपाठी जोग देथिले। अन्यमानक मध्यरे जीवनबिंदु जिला संयोजक सुभाष महाराणा निजय सामल तुम्बनाथ पंडा ज्योतिरंजन साहू अजित पंडा मदन दळेई शोभन नायक मधुसूदन आचार्य निखिल चौधरी विक्रम जेना राजेश पटनायक अश्विनी पटनायक आदित्य पटनायक तेजेश्वर स्वामी सचिन पंडा मोहम्मद फयाज खान के मधुसूदन राव सिल्लू सावतंक समेत बहु बिजेडी कर्मकर्ता उपस्थित थिले। एठारे 61 जन रक्तदाता मानंको प्रमाणपत्र प्रदान करि विधायक पंडा उत्साहित करथिले। गंजाम जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय बहुदिन धरी अतिरिक्त शिक्षाधिकारी पदवी गुड़िक खाली पड़ा फल शिक्षक और कर्मचारी मानंक विभिन्न कार्य ठीक समय हो पार जो कर्मचारी दूरदूरा आसी बहु असुविधार सम्मुखीन होते
किंतु गत मंगलवार दुई जन अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी निज कार्य नूतन भाव जोगद पवित्र मोहन साहू राजेश कुमार प्रधान नूतन भाव जोगद उभयों माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ ओष्टा तरफ स्वागत संवर्धना ज्ञापन कर अवसर में जिला शिक्षाधिकारी अमूल्य कुमार प्रधान ओष्टा संपादक विजय कुमार बेहरा राज्य कार्यकारी सभ्य अशोक कुमार दले अन्य कर्मकर्ता उपस्थित थे ओष्टा तरफ शिक्षक और कर्मचारी विभिन्न समस्या पर नूतन अधिकारी अवगत करा धराकोट थाना अंतर्गत गोला दामोदरपुर ग्राम से पिला कली को केन्द्र कर दुई परिवार मध्यरे गंडगोल घटी ग्रामर काशीनाथ बेहरा पुत्र विभूति मारानंद आक्रमण में ग्रामर अशोक प्रधान आहत होता अभियोग अशोकों प्रथम आशिका और पर ब्रह्मपुर बड़डाक्तरखाना को स्थानातर कर घटनास्थल में धराकोट पुलिस पहुंची यार तदंत जारी रखी सूचना मुताबक गत 35 तारीख काशीनाथ बेहरा मझिया पुत्र और अशोक प्रधान पुत्र मध्य टिकटक भिडियो को केन्द्र कर झगड़ा होता से ही झगड़े अशोकों पुओर हाथ भांगी जाता यहपरि घटनार समाधान पर उद्यम कर गंडगोल घटी एपरी घटना होता कहुई यह घटन काशीनाथों पत्नी कन्या तुलसी और पुत्र चंदन सह आक्रमणकारी विभूति बेहरा मध्य आहत होता जमापड़ पोलसरा थाना भावरडा ग्राम से पड़ोशी व्यक्ति आक्रमण में बुलू साहू नामक जनैक व्यक्ति गुरुतर आहत हो ब्रह्मपुर बड़डाक्तरखाना चिकित्सा निम्ते भर्ती होता बेले अढ़े वर्षर पुत्रर मृत्यु घटी अभियोग बाप पुओं को बुलू सेठी नामक जनैक पड़ोशी बुलू सेठी कुराड़ी और कातिरे आक्रमण करने फल पुत्र जगन्नाथ साहूं मृत्यु घटी बेले बापा बुलू साहू प्रथमे पोलसरा और पर ब्रह्मपुर बड़डाक्तरखाना चिकित्सा निम्ते भर्ती कर घटनास्थल में पोलसरा पुलिस पहुंची यार तदंत करने अभियुक्त को अटक रखि हत्याकांड में व्यवहूत मारणास्त्र जबत कर बुधवार वर्षा सह वज्रपात घटिबा फळरे तीनोटी गायक मृत्यु घटी कवि सूर्यनगर सियालिया खमा नाम निकट में बुलुवा तीनोटी गाई एपरी मृत्युवरण करते जुतिया गौड़ नामक व्यक्ति गाईगुड़ी चराउथिबा बेले हठात वर्षा पवन सह वज्रपात घटी खबर शेष करिबा पूर्वरु मुख्य खबर पुणी थरे राज्य में गोटे दिन में 8,399 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट रेकर्ड संख्यक 40 जन मृत गंजाम जिले में कमी कोरोना आक्रांत जिलूर मात्र 65 जन चिन्हट गंजाम जिलार विभिन्न अंचल ब्रह्मपुर महानगर में घड़घड़ सह प्रबल वर्षा तलिया अंचल जलमग्न रास्ता उपर जमि रहा वर्षापा जतायत समस्या ब्रह्मपुर ब्रजनगर अंचल में चली जुआ अड्डा उपर सदर थाना पुलिस चढ़ाऊ 5 जन गिरफ 22,800 टंका जबत खोड़ासिंगी मुख्य रास्ता पार्श्वे बड़ पाइपलाइन फाटी फल रास्ता उपर प्रबल पा जतायत समस्या जल जोगाण में बाधा कोरोना आक्रमण को दृष्टि रखी छत्रपुर विज्ञान महाविद्यालय नूतन कोविड हॉस्पिटल आरंभ ऑक्सीजन सह 100 शज्यार व्यवस्था गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा को काठ खोदेकर हनुमान चालीसा पुस्तक प्रस्तुत करते कंटेकुली ग्रामर अरुण कुमार साहू विभिन्न महल प्रशंसा गंजाम जिला स्वास्थ्य विभाग सहयोग में ब्रह्मपुर महानगर निगम तरफ वर्षा सत्वे विभिन्न टीकाकरण केन्द्र में जारी रही टीकादान जनसाधारण सतर्क न रहिले कोरोनार तृतीय लहरी आसवा सुनिश्चित बोली कहिले विशाखापट्टनम सेंट अन हॉस्पिटल भेषज विभाग मुख्य कर्नेल डॉक्टर शंभुदत्त एवं कोरोना महामारी को दृष्टि रखि महानगर में विभिन्न दल संगठन और अनुष्ठान पक्षर असहाय रंधा खाद्य शुकिला खाद्य सामग्री और चाउल बस्ता बंटन यूटीवी खबर को वर्तमान पर रखुचु नमस्कार।